नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है नदियों के महत्व से। तो आज का दिन नदियों के लिए क्यों खास है और इसके पीछे क्या इतिहास है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारतीय संस्कृति में नदियों का हमेशा एक विशेष महत्व रहा है। महाभारत काल से नदियों को माता की तरह पूजा जाता है। हिंदू धर्म में और शास्त्रों में नदियों से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि नदियां न सिर्फ जल का स्रोत है, बल्कि कई नदियों को प्राचीन कथाओं में वरदानकारी, मोक्षदायिनी और पाप नाशनी भी बताया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, जिन्हें इतिहास में काफी पूजनीय और वरदानकारी बताया गया है। आज का दिन नदियों के लिए समर्पित है। आज के दिन का संबंध नदियों के विकास से है, नदियों की रक्षा से है, जिसके लिए समय के साथ साथ कई आंदोलन भी चलाए गए। आज नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस है, जो हर साल आज ही के दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मकसद नदियों के महत्व के प्रति लोगों को अलर्ट करना है। 14 मार्च साल 1997 को पहली बार इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई। इसका मकसद विश्व में मौजूद बांधों की देखरेख करना है। नदियों को साफ सुथरा बनाना भी इसका एक और लक्ष्य है। आज नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस है, जिसका जो कि नदियों के महत्व को उजागर करता है। इसका मकसद नदियों की साफ सफाई के महत्व को उजागर करना है। इसके अलावा देश में जो नदियां हैं उनकी रक्षा की जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स जिन्हें मार्क्सवाद की विचारधारा का सबसे बड़ा जनक कहा जाता है। चलिए नजर डालते हैं कि आज के लिए उनका दिन क्यों ऐतिहासिक है और इतिहास के पन्नों में आज के दिन से कार्ल मार्क्स का क्या संबंध है, चलिए नजर डालते हैं। आज का दिन उस महान शख्सियत से जुड़ा है जो मार्क्सवाद के जनक माने जाते हैं। इतिहास की वो शख्सियत जिन्होंने हमेशा पूंजीवाद का विरोध किया और मजदूरों के हक की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, वो थे जर्मनी के दार्शनिक, राजनेता और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स, जिनका बचपन काफी संघर्ष और कष्टों में बीता। आज ही के दिन साल 1883 को बीमारी के चलते उनका निधन हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हमेशा मजदूर एकता पर बल दिया और पूंजीवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। साम्यवाद और पूंजीवाद को लेकर उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था द कैपिटल। द कैपिटल उनकी वो किताब थी जो बेहद ही बुरे दौर पर लिखी गई थी, जिसमें साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच के संबंधों को समझाया गया था। दोनों वर्ग के बीच बढ़ती खाई को दिखाया गया था, किस तरह से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और उनके हालातों को बयां किया गया था। कार्ल मार्क्स, जिन्हें साम्यवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है, उन्होंने मजदूरों के हक और मजदूरों के हितों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। द कैपिटल उस लड़ाई का एकमात्र सबूत है, जो वो उनकी एक पहली पुस्तक है, जिस पुस्तक में उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच जो रिश्ते हैं उसको बखूबी समझाया है। आज के दिन साल 1883 को उनका निधन हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है अल्बर्ट आइंस्टाइन से। चलिए नजर डालते हैं कि आज का दिन इस शख्सियत के लिए क्यों खास है। विज्ञान जगत में यूं तो कई वैज्ञानिक आए, लेकिन कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको इतिहास में आज भी याद रखा जाता है। उनकी हिम्मत, साहस और कुछ कर दिखाने का जज्बा और कभी ना हार मानने वाला रवैया इसका एक कारण था। उनको इतिहास कभी नहीं भूल सकता। वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, वो महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। साल 1879 में जर्मनी के यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। वो हमेशा से सरल और किसी भी तरह के
शो ऑफ से बिल्कुल दूर रहते थे। उन्हें बचपन से ही गणित में काफी दिलचस्पी थी, बाकी सब्जेक्ट्स में भी उनका मन नहीं लगता था। बचपन से ही उन्हें दिमागी रूप से अस्वस्थ माना गया, जिसके चलते उन्हें स्कूल तक से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। माँ के विश्वास से वो डटे रहे और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने कई बड़ी खोजों के जरिए ये साबित कर दिया कि वो कितने बुद्धिमान हैं। फिर चाहे अंतरिक्ष या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो या फिर सापेक्षता का सिद्धांत, इन सब खोजों ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया, जिसकी वजह से उन्हें कई सम्मान भी दिए गए। साल 1879 का वो दौर जब आज ही के दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।